नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही इस खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को कांग्रेस ने उत्तराखंड में बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में कांग्रेस भवन के बाहर ठेला लगाकर पकौड़े बेचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप चमोली ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को ठगने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार के आते ही हम हर साल लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन देश के अंदर ये माहौल है, पढ़ा लिखा युवा आज सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम पर सीमा पर है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े तलो, इसलिए हम प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। तो देहरादून से तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस ने आज जमकर नारेबाजी की है सरकार के खिलाफ और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर उन्होंने इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है। आज पूरे भारतवर्ष का युवा, उत्तराखंड का युवा, जो नरेंद्र मोदी जी के झूठे वादे, जो उनके जुमले थे और जिस वर्ग को उन्होंने सबसे ज्यादा ठहला वो वर्ग युवा वर्ग था, क्योंकि उनका जो पहला नारा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष भारतवर्ष को देने का काम करेंगे, उसके ठीक विपरीत आज पढ़ा लिखा युवा, आज इंजीनियरिंग का युवा, आज डॉक्टरी करके युवा बेरोजगार है, सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहा है और ठेलियाँ लगाने के लिए मजबूर है। और नरेंद्र मोदी स्वयं कह रहे हैं कि आप पकौड़े के ठेलियाँ लगाइए। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवा को चला, उसके विरोध के रूप में उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष में प्रदेश का युवा, भारतवर्ष का युवा बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने राजधानी देहरादून में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आने के बाद धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने चार धाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार की सकारात्मक पैरवी पर भी सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट में धामी सरकार ने इस मामले में बहुत ही अच्छे तरीके से पैरवी की है। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी जोशी ने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि प्रदेश के विकास के लिए इन योजनाओं को बड़े पैमाने पर और तेजी के साथ चलाया जा रहा है। चार धाम ऑल वेदर रोड, चार धाम पुनर्निर्माण काम समेत कई योजनाओं पर उन्होंने जानकारी दी। राज्य सरकार की तरफ से कोविड काल से उभरने के लिए दी गई प्रोत्साहन राशि को भी एक बड़ी और सकारात्मक पहल बताया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2,322 करोड़ रुपया सैंक्शन करके वर्क शुरू हो गया है। हमको स्वराज्य मिलके अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन जब तक मोदी जी नहीं आए तब तक देश में 18,000 से ज़्यादा गांव को कनेक्शन नहीं था। और सौभाग्य योजना में हम उत्तराखंड में भी 2.5 लाख से अधिक घरों से मीन देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी वो हमने पहुंचाया है। और हमारा जो जैली ग्रंट अंतर्राष्ट्रीय विमान निर्माण है, हवाई जहाज, उसका अपग्रेडेशन मोदी जी के कालखंड में शुरू हो गया है और कंप्लीट भी हो गया है। और राज्य सरकार के बारे में और इसके अलावा भी केंद्र सरकार का और एक इम्पोर्टेंट 6,000 ग्राम पंचायत को इंटरनेट कनेक्शन देने का काम हुआ है भारत नेट में। उत्तराखंड के सरकार हमारा युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में
24,000 पदों पर भर्ती का प्रक्रिया शुरू किया है। कोरोना काल के कारण अभ्यर्थियों के आयु में एक वर्ष का छुट्टी और परीक्षा शुल्क की माफ भी माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। कोरोना काल में पर्यटन व्यवसाय पर पड़े दुष्प्रभाव को देख के पर्यटन व्यवसाय के लिए 200 करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज घोषणा की है और उनके लिए ऑलरेडी DBT के माध्यम से उनको मिल रहा है। वहीं जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मना रही है, वहीं कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में कोयल घाटी के पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। आरोप लगाया कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है, ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मोदी सरकार के राज में महंगाई चरम पर है, घरेलू गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी भी धीरे धीरे खत्म कर दी गई है, किसान भी कर्ज के तले दबकर खुदकुशी जैसे कदम उठा रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि उत्तराखंड में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में BJP को हार का मुंह देखना पड़ेगा। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, ऋषिकेश का पूरा मामला, जहां पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर तमाम आरोप लगाए और उन्होंने कहा है कि सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है, उनको बेरोजगार करने का काम किया है, बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है। इसके साथ ही जो सब्सिडी मिलती है गैस पे, घरेलू गैस सिलेंडर पर, उस सब्सिडी को भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। किच्छा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम थोरा धाम में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में एक धरना आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम धनोरा गांव जमीन का मालिकाना हक न होने के कारण ग्रामवासियों को इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास और अन्य सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि ग्रामवासी क्षेत्र में 40 साल से निवास कर रहे हैं लेकिन आज तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला, जिस कारण आक्रोशित जनता के साथ हरीश पनेरू ने धरना दिया और सरकार को चेतावनी दी कि जल्द ही धारा डैम क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो 15 दिन बाद विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। तो किच्छा का यह पूरा मामला, जहां पर हरीश पनेरू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, इसके साथ ही पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते यह प्रदर्शन कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। मालिकाना हक नहीं मिल पाया, जिस कारण सरकार द्वारा मिलने वाली इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, तमाम जो गरीबों के लिए आवास की योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, और जो अन्य सुविधाएं हैं जमीन के नाम पर, जिसके पास जमीन है रजिस्ट्री वाली, उसकी जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा, इसलिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। और निश्चित रूप से हम बहुत जल्द ही, अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना, तो धौरा डैम की जनता को लेकर वहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। सितारगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन BJP कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के रूप में मनाया। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा और BJP कार्यकर्ताओं ने PM मोदी के जन्मदिन पर उनकी तरफ से चलाई जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के रूप में उसको मनाया। कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के नहरपार स्थित केशव नगर सरस्वती शिशु मंदिर के परिसर में सफाई कर देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पर्यावरण को स्वच्छ करने की मुहिम शुरू की जा रही है। इस मुहिम के जरिए विधानसभा में पौधारोपण कराया जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सितारगंज में PM मोदी का जन्मदिन आज वृक्षारोपण कर मनाया गया है। यहां पर वृक्षारोपण किया गया, इसके साथ ही तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पर्यावरण स्वच्छ करने की मुहिम की आज शुरुआत की गई है BJP कार्यकर्ताओं के द्वारा। सितारगंज की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और धन्यवाद करता हूँ सारे कार्यकर्ताओं को कि ये 17 तारीख 17 सितंबर से लेके
7 अक्टूबर तक हम सेवा और समर्पण अभियान चला रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने सितारगंज में मोदी जी के जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया है, सफाई अभियान चलाया है और आज हमें एक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा जो हर विधायक को करना है उसी परिप्रेक्ष्य में हम मंडल अध्यक्ष सारे मंडल के हमारे कार्यकर्तागण पार्टी कार्यकर्तागण हम लोग सब यहाँ पर आए हैं और यहाँ से CHC अस्पताल जा रहे हैं, वहाँ पर टीकाकरण हो रहा है, वहाँ पर उसके देखने जा रहे हैं और बस जो मोदी जी के पंचिन है उन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने हम लोग को सीख दी है और जो पार्टी ने हम लोग को काम दिया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मनाने के लिए हम लोग यह पूरी मंडल की टीम और वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता सब पहुँचे हैं। शिशु मंदिर में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है और 71वें जन्मदिन पर मोदी जी के हर बूथ पे लगभग 71 पौधों का जो है रोपण किया जा रहा है। इसके लिए हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को जिस तरह से हमारे भारत को वो विश्व में एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत गर्व की बात है ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला। उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। युवा कांग्रेस की ओर से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए थाली बजाकर सरकार को जगाने का काम किया गया। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बेरोजगारी दिवस मनाया है। अध्यक्ष संतोष रावत ने कहा जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही गई थी, उन 7 सालों का हिसाब अगर मांगा जाए तो 14 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि बीते 7 सालों में बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छूटा है। तो रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेसियों ने थाली बजाकर यहां पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि 14 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए था, जैसा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले दावा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अगर सालों के हिसाब से आकलन करें तो अब तक 14 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। तो ऐसे में 14 करोड़ बेरोजगारों को उनका रोजगार नहीं मिला है, ये कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और उन्होंने आज रुद्रप्रयाग में थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और युवा कांग्रेस पूरी सड़कों पर उतर चुकी है। युवा कांग्रेस आज इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है क्योंकि इन लोगों ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। अगर 7 साल का हिसाब मांगा जाए इनसे तो इनको 14 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, पर आज इस तानाशाह सरकार ने लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसमें 10 करोड़ लोगों के रोजगार पिछले 7 सालों में छिने हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में बीजेपी नगर मंडल नैनीताल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बीडी पांडे जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल और जूस वितरण कर मनाया गया है। इसके अलावा कोरोना काल की पहली और दूसरी लहर में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, पाइंस शमशान घाट में अपने कार्य को बखूबी निभाया, ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया। तस्वीरें नैनीताल से हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि केक भी काटा गया है और इस मौके पर काफी संख्या में लोग भी नजर आए जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का केक काटकर जन्मदिन मनाया है। मंडल नैनीताल द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन के अवसर पर पंत पार्क में गरीब बच्चों के संग एवं फल व्यवसायी लोगों के संग हमने केक काटकर यह जन्मदिन को मनाया गया, जिसमें सभी भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और बड़े हर्षोल्लास के संग हमने यह जन्मदिन प्रधानमंत्री मोदी जी का मनाया गया। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक स्वागत और बधाई धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल नैनीताल द्वारा गरीब बच्चों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया, साथ ही समस्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा आज हॉस्पिटल में फल वितरित करके और कुछ लोगों को सम्मानित करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया।
वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को आज पूरे देश में यूथ कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरिद्वार पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर पर बेरोजगार हुए लोग मिस कॉल कर सकेंगे, जिसके बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उन बेरोजगारों से मिलेंगे और यूथ कांग्रेस की तरफ से देश में बेरोजगारी के असल आंकड़े का पता लगाया जाएगा। तो हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज बेरोजगारी दिवस मनाया है, जिसके बीच यूथ कांग्रेस ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जिसमें बेरोजगार युवा मिस कॉल कर सकेंगे और जिसके जरिए अब यूथ कांग्रेस असल नंबर जुटाएगी। जी हाँ, बेरोजगारी के आंकड़ों के असल नंबर जुटाए जाएंगे, जिसके लिए आज यूथ कांग्रेस ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है जिस पर बेरोजगार युवा मिस कॉल कर अपना आंकड़ा दर्ज करा सकेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हरिद्वार की पावन भूमि से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज शाम गंगा आरती में सारे तमाम बड़े लीडर्स यहाँ पर उत्तराखंड के और साथ साथ कांग्रेस के जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी यहाँ उपस्थित रहेंगे। कल से इसकी शुरुआत हो रही है, 11 विधानसभाओं को कवर करते हुए 18, 19 और 20 को इसका समापन होगा। कल इसकी शुरुआत हर की पौड़ी से होगी और हम कंखल में इसका समापन करेंगे। 3 दिन का यह कार्यक्रम होगा और विधानसभा अलग अलग होंगे, शेड्यूल आप लोगों को उपलब्ध। वहीं रुड़की वन विभाग ने देर रात में इमलीखेड़ा क्षेत्र में बिना परमिशन के अवैध रूप से पेड़ों के काटे जाने की सूचना पर पहुंचकर आम की लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। वन विभाग के रेंजर मयंक गुप्ता के अनुसार उन्हें देर रात में सूचना मिली थी कि इमलीखेड़ा के जंगल में आम के हरे भरे पेड़ों पर आरी चलाई जा रही है, जिस पर हल्का दरोगा अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध कटान करते हुए आम के पेड़ों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर वन विभाग कार्यालय ले आए, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मयंक गर्ग ने बताया है कि अब से पहले भी इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है और वन माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें रुड़की से हैं जहां पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वन विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है, रुड़की की सीधी तस्वीरें हैं जहां पर वन विभाग ने लकड़ी काटे जाने के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि अवैध कटान करते हुए आम के पेड़ों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली वन विभाग की ओर से जब्त किया गया है और जब्त करने के बाद इसे विभाग कार्यालय में लाकर खड़ा कर दिया गया। इसके साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह का कार्यप्रणाली किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह के काम में जो भी लोग लिप्त हैं उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। रात लगभग 10 बजे के आसपास लकबर द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि इमलीखेड़ा क्षेत्र में एक आम के बाग को काटा जा रहा है। तो सूचना के प्राप्त होते ही हमारे द्वारा तुरंत ही वहाँ मौके पर कुछ हमारे स्टाफ को भेजा गया था। तो स्टाफ ने मौके पर जैसे ही वहाँ पे गया तो कुछ लोग आम के बाग को काट रहे थे, जिसमें से उन्होंने 4 पेड़ को काट दिया था। तो उन पेड़ के जैसे ही स्टाफ हमारे वहाँ पहुँचा तो जो काटने वाले थे वहाँ से फरार हो गए। तो मौके से हमने वहाँ पर जो उनके द्वारा प्रकाश काटा गया था उसे बरामद कर लिया है। इसमें जो ये आम के बाग को काटने की जो कार्यवाही की जाती है उसमें ये सब कार्यवाही उद्यान विभाग द्वारा की जाती है, जिससे हमने उनके संबंध में सूचना दे दी है। तो प्रकाश को हमारे द्वारा बरामद कर लिया गया है और जो कार्यवाही हमारे स्तर से होनी है हमने उसमें कर दी है और जो मुख्य मुकदमा उसमें होना है अवैध पातन का वो ध्यान विभाग द्वारा किया है। ठीक है, अभी तक मेरे पास जो सूचना है वो 4 पेड़ काटे जाने की सूचना है और शायद अगर सूचना के प्राप्त होने पर अगर तुरंत ही कार्यवाही नहीं की जाती तो शायद और अन्य पेड़ भी उनके द्वारा काटे जाएंगे, क्योंकि स्टाफ अलर्ट था, सूचना के प्राप्त होते ही वो तुरंत मौके पर पहुँच गया। तो अभी तक की सूचना के आधार पर 4 वृक्षों का पातन किया गया। जी परसों 14 तारीख में रात्रि में कुछ लोग गंगनहर पटरी पर अवैध पातन कर रहे थे, तो जिसकी भी सूचना प्राप्त होते ही हमारा स्टाफ तुरंत ही मौके पर गया और उस कार्यवाही के दौरान ही वहां पर हमें 3 आदमी जिनके साथ एक आरा जो उपयोग कर रहे थे वो पेड़ काटने के लिए वो भी बरामद किया गया
तो उन पर जो भी भारतीय वन अधिनियम की जो भी धाराएं संगत धाराएं बनती हैं उनके तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उनके विरुद्ध जो भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही वन अधिनियमों के तहत की जा सकती है वो हमारे द्वारा की जाएगी। इसी तरह अन्य भी काफ़ी कार्यवाही क्षेत्र में जो भी अवैध पातानी से संबंधित होती हैं उसमें हमारे द्वारा लगातार की जा रही हैं और भविष्य में जैसे जैसे हमारा सूचना तंत्र और मजबूत हो रहा है तो हम उसे उसी के आधार पर आगे कार्यवाही करते रहेंगे। हरिद्वार अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुधियाल ने शिवलिक नगर फेज 3 के सामुदायिक केंद्र में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की तरफ से CSR के अंतर्गत कोविड प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए शैक्षिक पोषण सहायता कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अपर जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की तरफ से समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड अपने स्थापित होने के समय से ही समाज और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार किसी न किसी रूप में मदद के लिए आगे आता रहा है। हीरो परिवार की ओर से जो CSR के माध्यम से जो कोविड-19 के महामारी के दरमियान जिन परिवारों के माता पिता या जिसके पति जिसके वाइफ डेथ हुआ है उन 60 परिवार को उनके द्वारा मदद देने का जो कार्य किया गया है उसमें से 10 बच्चे हैं और 50 उनके परिवार के लोग, तो उनको शिक्षा से लेकर अन्य सहायता उनके बिजनेस को लेकर उनके एजुकेशन को देखते हुए उनको नौकरी लेने का या रोज़गार मुहैया कराने का जो उन्होंने चयन किया है इसी का एक छोटा सा कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया था और विस्तार रूप से लोगों को आगे भी यह चीज़ कंटिन्यू करने के उनके द्वारा ये प्रोसेस है। पौड़ी में महंत इंद्रेश अस्पताल की तरफ से PPP मोड पर संचालित किए जा रहे पौड़ी जिला अस्पताल के कुछ कर्मचारियों का अस्पताल परिसर में डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि अस्पताल परिसर में ही कर्मचारी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो पर जिला अस्पताल की जमकर किरकिरी भी हो रही है। वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद से कई तरह के कमेंट भी किए जा रहे हैं। वहीं इस वायरल वीडियो का जिला अस्पताल के MS डॉक्टर PK जैन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान डांस करने वाले कर्मचारियों की पहचान कर वीडियो की जांच की जाएगी। वीडियो के सही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जांच कर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। और ये वीडियो वायरल भी उन्हीं के द्वारा किया गया है जिनके साथ पहले इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे और मैं उस पर अभी सबकी सारे स्टाफ की मीटिंग मैंने बुलाई है और उस पर मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ कि ये वीडियो किस तरह की पार्टी थी और ये वीडियो किनके द्वारा बनाया गया है और ये क्यों बना है और अगर ये हॉस्पिटल प्रमाइसिस के अंदर अगर ये हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है और ये इनडिसिप्लिन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और इनके खिलाफ मैं कोई ना कोई कार्रवाई करूंगा। मैं इस पर इंक्वायरी कर रहा हूं और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। ये सर क्यों बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कि बर्थडे पार्टी थी, क्या था ये? इसी इंक्वायरी के लिए मैंने सभी स्टाफ की मीटिंग बुलाई है कि ये किस तरह की पार्टी थी और ये क्यों हुआ और कहाँ हुआ। रुड़की के गंग नहर थाना क्षेत्र में सोलानी नदी से खनन माफिया धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं और ये खनन दिन हो या रात तकरीबन 2 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर किया जा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि रुड़की नगर की सड़कों पर हर आधे घंटे के अंतराल में ये ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ जाएंगी। नगर के मुख्य चौराहों पर अक्सर पुलिसकर्मी या CPU के जवान चेकिंग कर चालान काटते नजर आ जाएंगे पर यह खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली इन्हें नजर नहीं आते। वहीं प्रशासन भी इस खनन माफियाओं से बेखबर है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं रुड़की की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़क पर धड़ल्ले से खनन माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉली चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अवैध खनन का काम है वो धड़ल्ले से जारी है, रुड़की की ये तस्वीरें हैं, लेकिन पुलिस बेखबर है।
सितारगंज के शक्ति फार्म के बैकुंठपुर में अज्ञात कारणों के चलते 32 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक महिला के 3 बच्चे हैं। वहीं महिला के मायके वालों का आरोप है कि उसके साथ दुर्व्यवहार और जघन्य अपराध किए जाते थे और साथ ही मानसिक और शारीरिक तनाव भी दिए जाते थे, जिस पर संदेह जताते हुए महिला के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर पोस्टमार्टम कराने की अपील की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। उत्तरकाशी में कृषि विभाग की तरफ से किसानों की खेती में उन्नत पैदावार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल सिंह भंडारी ने बताया कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन सहित गांवों में समूह बनाकर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही कृषि संबंधित मशीनों पर विशेष अनुदान की व्यवस्था भी की गई है, जिसका फायदा जिले का कोई भी किसान जिसके नाम जमीन हो वो ले सकता है। वहीं कल से चारधाम यात्रा शुरू होने के फैसले के तुरंत बाद चमोली प्रशासन यात्रा के लिए सतर्क हो गया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बद्रीनाथ हाईवे का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने एनएच के अधिकारियों को निर्देश देते हुए हाईवे पर निर्मित हुए पुलों को तत्काल सुव्यवस्थित कर सुचारू करने का कहा है। हाईवे पर अलग अलग स्थानों पर जमा हुए मलबे को हटाने के आदेश भी दिए गए हैं और हर समय हाईवे खुला रखने और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी का साथ ये भी कहा गया है कि कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।